अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ मैंगो जाम की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए हमने 1 किलो आम लिए हैं। इसको जग में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके छिलके उतारकर गुठली से सारा आम हमने उतार लिए। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आम को हमने पानी के बगैर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम बर्तन में डाल लेंगे। नीचे हम आग जला लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। आम हमारे काफ़ी मीठे थे इसलिए हम इसमें 1 कप चीनी डाली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके खट्टे आम हो तो। इनको हम आप अच्छी तरह से पका लेंगे। जाम हमेशा घर में बच्चों को तैयार करके दिया करें, क्योंकि जो बाजार की जाम होती है उसमें केमिकल्स होते हैं, फूड कलर्स होते हैं और चीनी होती है बस। उसमें ये फल वगैरह उन्होंने नहीं डाला होता, इसलिए हमेशा जाम बच्चों के लिए घर में बनाया करें। हमारी जाम पकना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच लीमू डालेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो जमे ना, और 1 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे। इससे हमारी जाम ख़राब नहीं होगी और हम ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम सिरके नहीं डालते तो ये हम 1 हफ्ता से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम सिरका डाल लेते हैं तो ये 2 माह तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ दिखानी, ये अभी हमारी पकने वाली है। अब हम फुल्की पे पकाएंगे। जाम को अच्छी तरह पकाने के बाद उसको चेक कर लें। अगर आपकी ठहर जाए तो आपकी जाम रेडी है। देखें इसमें पानी ख़त्म हो गया है। जाम को अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो इसका पानी बिल्कुल खुश करके इसको रेडी करें, तो फिर आपकी जाम जल्दी ख़राब नहीं होती। चलो ये देखें हमारी जाम बहुत अच्छी रेडी हो गई है। इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं है। जाम हम हमारी रेडी हो गई। अब हम ये शीशे का जार लेंगे, इसको बिल्कुल हमने धो के खुश कर लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे। देखें हमारी जाम कितनी अच्छी रेडी हुई है।